कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले 5 लाख का इनामी विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। गैंगस्टर विकास दुबे को कल सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। कानपुर कांड से लेकर विकास दुबे के एनकाउंटर तक क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस ने विकास दुबे का काला अध्याय समाप्त कर दिया है। विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया है। उसे 9 जुलाई की सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया था। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे को यूपी एसटीएफ उज्जैन से कानपुर ले जा रही थी। कहा जा रहा है कि रास्ते में एसटीएफ की एक गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों की पिस्टल छीनकर भागने लगा और पुलिस पर गोली भी चलाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें वो मारा गया। गोली लगने के बाद विकास दुबे के शव को कानपुर के लाला लाजपत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके पहले विकास दुबे के साथी प्रभात मिश्रा के बारे में भी 9 जुलाई को ऐसी खबर आई थी। प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद से कानपुर ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा था। रास्ते में एसटीएफ की गाड़ी पंक्चर हुई और प्रभात मिश्रा एसटीएफ की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। क्रॉस फायरिंग हुई, प्रभात मिश्रा मारा गया। विकास दुबे के साथ भी यही हुआ। उज्जैन से कानपुर ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा था, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और फिर वही सब हुआ। आपको बता दें कि 2 से 3 जुलाई के दरमियान रात कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस दल पर हमला हुआ। पुलिस विकास दुबे के घर पर छापा मारने पहुंची थी। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। घटना के बाद विकास दुबे फरार हो गया। जांच बिठाई गई, उसकी तलाश के लिए पुलिस की 50 टीमें तैयार की गई। उस पर इनाम भी रखा गया, पहले 50,000, फिर 2.5 लाख और आखिर में 5 लाख कर दिया गया। उधर इनाम की रकम बढ़ रही थी तो इधर उसके साथियों को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर रही थी। 7 जुलाई को विकास के करीबी अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ और 9 जुलाई की सुबह खबर आई कि उसके दो और करीबी प्रभात मिश्र और बबुआ भी अलग अलग जगह पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। 9 जुलाई को विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में दिखा। मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे पकड़कर यूपी एटीएस के हवाले कर दिया था। लेकिन इस पूरे एनकाउंटर पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सब आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।